press the bell icon for all updates. मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है आकर्ष। आकर्ष बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मॉडर्न इंसान है। उसे इन सब अंधविश्वास और सुपरनैचुरल पावर्स में बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो जब जानवी से मिलता है उज्जैन में और कहीं ना कहीं जब प्यार पनपता है तो उसे पता लगता है कि जानवी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो उन चीज़ों को सॉल्व करने में उस रहस्यमय कहानियों को पता लगाने के लिए कौन है, तो उसका भी एक नया सफ़र होता है। शायद उस बातों में विश्वास करना लग जाता है और कहीं ना कहीं वो दोनों मिलकर कैसे उन रहस्यमय और अजीबोगरीब कहानियों को सॉल्व करते हैं और कैसे उस व्यक्ति का पता लगाते हैं जो सबके पीछे है, जो डायन कौन है, जो उनकी फैमिली को परेशान कर रही है और जो कुछ कहना चाह रही है, तो वो एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। डायन ही है ऑनेस्टली। मैं बताऊं कि मुझे नहीं पता कि डायन कौन हो सकती है। कोई ना कोई ज़रूर ये हम में से ही है, हमारे आसपास ही है, हमारे क्लोज वंस में से, हमारे रिश्तेदारों के बीच में ही है, हमारे दोस्तों के आसपास हो सकती है, दोस्तों के बीच में हो सकती है। वो कौन है ये तो किसी को नहीं पता और ये जानने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। डायन के साथ मैंने शूट नहीं किया ऑनेस्टली, अभी उस चीज़ में वक्त है, लेकिन डायन को देखा ज़रूर है। लेकिन डायन उसके पीछे कौन है किसी को नहीं पता। डायन ना किसी से बात करती है, ना किसी की बात सुनती है, ना कुछ करती है, ना देखती है, ना खाती है, ना पीती है। क्या करती है वही जानती है। सच कहूँ तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एनर्जीज़ में ज़रूर विश्वास करता हूँ कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ आपको कहना कि लोग बड़ा फील कराती हैं और कहीं वो लगता है कि यार मेरे ऊपर शायद कुछ आ गया है, कुछ नज़र लग गई है, कुछ हो गया है, तो आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एनर्जीज़ ज़रूर होती हैं इस आपके आसपास। सच कहूँ तो यार मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है कि यहाँ पर कोई डायन है या कोई चुड़ैल है या फिर कुछ है। हाँ वही, फिर लाइक आई सेड कि एनर्जीज़ आपको हर जगह की अलग अलग होती हैं, हर इंसान की अलग होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार यहाँ पर कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो ऐसा तो ज़रूर मैंने महसूस किया। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किया होगा। जी बहुत ही अच्छी यार, शीज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। बहुत मज़े आते हैं उसके साथ शूट करने में। हम एक दूसरे को पहले भी जानते थे तो एक कंफर्ट जोन था जब हमने यहाँ पर शूट करना शुरू किया, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मस्ती करते हैं हम सेट पे और बड़ा मस्ती मजाक करते हैं साथ में शूट करते हुए। व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते आए हैं, मेरे सारे शोज़ देखे हैं, अब इस शो को देखिए, इस शो के लिए अपना प्यार भेजें, अपनी ब्लेसिंग्स भेजें, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि शो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड कीप वॉचिंग दिस शो सैटरडे संडे 9 PM ऑन NTV।